तो चलो शुरू करते हैं, पहले ये देख लेते हैं ठीक है। तो शुरू करते हैं ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या ये बचा था जो मैं नहीं बताया था, छोड़ दिया था जानबूझ करके, आज इसको कंप्लीट करा देता हूँ, थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। फिर सारे न्यूमेरिकल लगने लगेंगे, सब चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी न्यूमेरिकल लगाए आप लोगों ने, एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल लगाए ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल मैं अभी आज भी दे दूंगा ठीक है आपको, बढ़िया से उसको लगा लेना और मंडे को टेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, कोई भी बॉडी nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ध्यान से सुनना, कोई भी बॉडी nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये अगर निकालना है तो, nth सेकेंड में यानी दिया होगा दूसरे सेकेंड में तीसरे सेकेंड में ऐसे अगर निकालना होगा तो ये अगर निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना निकालना है nth सेकेंड, nth सेकेंड में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो मान लो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि एग्जांपल कि कोई बॉडी का तुमको डिस्टेंस निकालना है कि वो पांचवें सेकेंड में फिफ्थ सेकेंड में ठीक है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फिफ्थ सेकेंड में, वो ये अगर निकालना है कि पांचवें सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कैसे निकाल सकते हो, मैथमेटिक्स के हिसाब से बताओ कैसे निकाल सकते हो। मान लो पाँचवें सेकंड में ट्रैवल कितना डिस्टेंस ट्रैवल की ये निकालना है तो जाहिर सी बात है वो पहले सेकंड में कुछ की होगी, दूसरे में की होगी, चौथे में की होगी, पाँचवें में की होगी, छठवें में करेगी, सातवें। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से या थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि कैसे निकाल सकते हो अगर तुमको पाँचवें सेकंड नहीं, स्पीड भी पता है और एस्केलरेशन भी है, जब चल रही है बॉडी तो कुछ ना कुछ एस्केलरेशन भी होगी हैं, तो बताओ कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिक समझ में आ जाएगी बात। कौन सा मोशन वाला लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, देखो nth सेकेंड में पांचवें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये अगर निकालना है ठीक है पांचवें सेकेंड में, तो थोड़ा सा ग्राफ का मदद ले लेते हैं, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम ठीक है। पहले सेकंड में इतना ट्रेवल की ठीक है बॉडी आई, तुम्हारा दूसरे सेकंड में आगे बढ़ गई एक तरीके से, ये आगे बढ़ गई, ये दूसरा सेकंड हो गया, समझ आ रही बात ना। तीसरे सेकंड में मान लो यहाँ पे आ गई बॉडी, ये हो गया तीसरा सेकंड ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह फिर यहाँ ऐसे चली, तो इस तरह से चलते चली जा रही है ठीक है, एक दो तीन चार, चार पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट कुछ इस, ये कोई वैलिड नहीं है, मैं बस इमेजिन करवा रहा हूँ, ये ग्राफ कोई वैलिड ग्राफ नहीं है, इसको ऐसा बस समझाने का बता रहा हूँ। तो ये है हमारा मान लो तीन चार पाँचवा सेकेंड है ठीक है, तुमको निकालना है पाँचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक्चुअली इसमें पहले समझ लो निकालना क्या है, निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो, तो एक तरीके से तुमको ये डिस्टेंस निकालना है एक्चुअल में, वो पाँचवें सेकंड के आसपास क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब एक सेकंड में एक किलोमीटर, दूसरे सेकंड में दो किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले सेकेंड में बॉडी गई एक किलोमीटर, दूसरे सेकेंड में बॉडी गई मान लो फिर से एक किलोमीटर ठीक है, इस तरीके से चल रही है, तो पाँचवें सेकंड में जाहिर सी बात है एक किलोमीटर चलेगी, हाँ भाई एक किलोमीटर चलेगी, एक किलोमीटर, लेकिन टोटल कितना हो गया पाँच किलोमीटर, तो पाँच किलोमीटर चली होगी, देखो पहले सेकंड में पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, पाँचवा किलोमीटर, पहला किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पाँचवें सेकेंड का है, तो तुमको एग्जैक्टली पांचवें सेकंड का निकालना है, nth, ध्यान सुनो, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, यानी पांचवें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की ये निकालना है, इससे पहले मतलब नहीं है हमको, हमको निकालना है पांचवें सेकंड में कितना करेगी,
यानी हो सकता है कि पाँचवें सेकंड में एक सेकंड में एक किलोमीटर, फिर अगले सेकंड में एक किलोमीटर, फिर अगले सेकंड में एक किलोमीटर, हो सकता है पाँचवें सेकंड में पाँच किलोमीटर कवर कर जाए, पाँचवें सेकंड में पाँच किलोमीटर कवर कर जाए। तो हमको nth टाइम का निकालना है, यानी पाँचवें सेकंड का निकालना। तो वो कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है कि अगर हमको इतना पाँचवें सेकंड का चाहिए, यानी इतनी ही डिस्टेंस चाहिए, तो पूरी क्वांटिटी में से पहले हम इतना डिस्टेंस माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड निकालें, यानी 5 सेकंड निकालें, उसमें से माइनस कर दिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बाकी 4, तो वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। बात समझ आ रही है? तो यानी एक्चुअली में कैसे हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला तो आसान है, डिराइव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड या टाइम, ठीक है, ठीक, इसको लिख लो तुम डी एन माइनस वन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंथ टाइम, इसको लिख लो। क्लियर हुआ ये चीज़? नहीं क्लियर हो रहा है। तो अब अगर तुमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंड निकालना, यही किया हुआ है आई थिंक, हाँ, बुक में डिस्टेंस को एस ले लिया, तुम भी ऐसे ले लो, एस पे फॉर्मूला भी है एक्चुअली, ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही ले लो। तो जो डी एन होगा, हाँ, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, ये हो जाएगा कितना, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्लियर हुआ ये चीज? अब एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, तो एस एन क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा यू, टी की जगह हो जाएगा एन, प्लस हाफ ए एन का, और एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का। समझ गए बात? समझ में आ रही बात ना? तो अब देखो, क्योंकि टाइम ही तो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन, हाँ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहा हूँ। फॉर्मूले में क्या है, ये इतने टाइम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो nth सेकंड में जब हम टाइम की जगह n रख रहे हैं, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी एस एन, तो टी की जगह n रखना हुआ, और n माइनस वन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो n की जगह n माइनस वन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में, तो एस एन क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? वैल्यू तो रखे हैं फिर, अरे यू यू टी की जगह एन रखे हैं, एस एन की वैल्यू रखे हैं, हाँ। अभी उसके नीचे भी रखे हैं। अच्छा, हाँ, समझ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस वैल्यू रखे हैं। सही से बताओ, समझ में है ना? हाँ। चलो तब ठीक है। ये हो जाएगा अब डी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, है ना? साइन बदल जाएगा, है ना? तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, डी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन
प्लस यू, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का हाफ इनटू करेंगे तो माइनस का हाफ ए एन आ जाएगा। नहीं अभी नहीं कर सकते, ओपन करना पड़ेगा ना इसमें, इसको अगर खोलोगे तो पहले तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तब तक सॉल्व कर लेते हैं। यू एन से यू एन कट गया तो बच गया डी एन इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए ए स्क्वायर, अरे सॉरी हाँ एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ वन प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा हाफ ए इंटू टू एन, यानी टू से टू खत्म। डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ प्लस, हाँ ठीक शाबाश, हाँ मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक सही एकदम सही, क्या बात। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। हाफ को ले लेते हैं, हाफ वाले को एक साथ लिख लेते हैं, ए एन स्क्वायर ये वाला माइनस ए एन, सही कह रहे हो, ये तो यहीं कट जा रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं, काटने के लिए ही मैं लिख रहा था, ये यहीं पे साफ साफ दिख रहा है कट गया, ठीक है। तो डी एन इज इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन, सही है कोई दिक्कत नहीं है, यू प्लस को पहले ले आए माइनस हाफ इतने, ठीक। अब बस वो थोड़ा सा मतलब वो दिखने के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़िया सा दिखे, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना सिर्फ इस टर्म को, टू ए एन माइनस का ए, ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से, कहाँ पे, हाँ तो बाहर इसको मैं सोच रहा हूँ निकाल दूँ, डिवाइड में तो रह गए, तो इसको वन बाई टू ए को बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या बच जाएगा अंदर, नहीं टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन बचेगा, नहीं बचेगा, नोट कर लो यही है, nth सेकंड में अगर निकालना होगा तो नोट कर लो जल्दी। अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन से और अच्छे समझ में आ जाएगा, अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, मूव्स विद ए कांस्टेंट एस्केलेशन, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अ टाइम टी सेकंड, 10 सेकंड तक ये पार्टिकल मूव किया, ठीक है। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है लास्ट 1 सेकंड, यानी कि एन क्या है 9 सेकंड, कैसे, लास्ट 1 सेकंड यानी 10 माइनस 1, लास्ट सेकंड क्या है 10 है, और लास्ट 1 सेकंड मतलब 10 माइनस 1 यानी 9 सेकंड पे, तो डी एन फॉर्मूला क्या है, यू एन नहीं क्या है फॉर्मूला, डी एन हाँ हाँ यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, तो d 9 हमको निकालना है, u यानी कि 5 प्लस हाफ a यानी कि 2, 2 इंटू n, n मतलब कि 9 माइनस 1, लास्ट हाफ सेकेंड, यहाँ पे 9 माइनस 1 मत करना, यहाँ पे 10 माइनस 1 करना, हाँ हाँ शाबाश, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 2 से 2 कट जाएगा प्लस 19 प्लस 5 24, क्लियर हुआ ये चीज़, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो n माइनस 1 या 10 माइनस 1, ये लिख सकते हो, परफेक्ट आ जाएगा, है ना। और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर रख लोगे तो काम हो जाएगा, क्लियर है। अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन दो,
तुम्हारा वाला क्वेश्चन है अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसकी पोजिशन दी हुई है, ठीक है। और किस इक्वेशन से दी हुई है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इज गिवन बाई x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर जहाँ पे a क्या है 8.5 मीटर, a की वैल्यू दी हुई है, b क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और t जो है वो सेकेंड में मेजर की जाती है। तो वॉट इज द वेलोसिटी, तुम्हें वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू जीरो पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी खुद ही निकाल लो, जब हम ये बता देंगे तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लोगे। कहाँ कहाँ निकालना है, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड से और 4 सेकेंड से। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले क्या निकालना था, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई इतना इतना एंड टी मेजरमेंट से व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, नहीं होता है। जब भी इस तरीके का मैं बताया था कि इक्वेशन टाइप का आ जाए तो कैलकुलस लगाने का प्रयास करना पड़े, तो वी इज इक्वल टू हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो वी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, नहीं समझे। v इज इक्वल टू अब अलग अलग लिख सकते हैं डी डी टी ए प्लस डी डी टी बी टी स्क्वायर, है ना, सही कह रहा हूँ। अब डी डी टी और a क्या है, कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है t के रिस्पेक्ट में, तो a की वैल्यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर अकेला हो तो जीरो, अगर अकेला कांस्टेंट है, अगर इसके साथ टी का फंक्शन होता तभी बाहर आता ना, अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस, अब यहाँ पे देखो टी का फंक्शन है बी के साथ, बी कांस्टेंट, अब यहाँ पे बी बाहर आ जाएगा, तो जीरो प्लस बी डी डी टी टी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। वी इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t, और इसको आराम से अच्छे से लिख सकते हो तो हो जाएगा 2bt। अब तुम्हें t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी निकालना है, तो t की जगह जीरो रख दोगे तो वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी, सीधी सीधी बात है। t इज इक्वल टू जीरो जब चली नहीं है तो वेलोसिटी एक्चुअली भी जीरो हो गई। और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है तो t की जगह क्या रख दोगे, 2, 4 इज इक्वल टू 2b इंटू 2, यानी हाँ यानी 4b, ये तो आ गया 4b। अब b की वैल्यू कितनी दी है, 2. तो b की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 अगर रख दोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 2.5 यानी के 10, यही ना। वैसे b की वैल्यू रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात ना। अब इसी तरह एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, दोनों वेलोसिटी निकालो, अपना टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन पक्का, पॉज कर दो। अब आते हैं तुम्हारे ग्राफ पे।